아무래도 마음도 안고 이사를 간다. 여러분, 우리는 아무리 큰 사과 같은 문제도 잘 처리할 수 있어요. 아메세 하루 보이 번다. 아프네세 바라 마슬라 삼발 삼다 해 고도 할 것을 생각. 그래서 I can do in Christ. 할렐루야. 아프네세 바라 마슬라 할 것을 생각. 할렐루야. 지혜와 총명의 신이 그분 때문에 이길 수 있어요. 함 버리 위스덤과 사드 अकलमंदी게 साथ क्या कर सकते हैं मसलों को हल कर सकते हैं 아무리 큰 사과 같은 문제도 해결할 수 있습니다. 무슨 कितना ही बड़ा क्यों ना हो हम इसे बड़ी समझदारी से हल कर सकते हैं. 지혜와 총명의 신이신 그분 때문에 이길 수 있습니다. क्वेश्चन यह है कि हम इन मसलों पर कैसे काबू पा सकते हैं कैसे निपट सकते हैं इन मसलों से. 아무리 큰 사과 같은 문제도 해결할 수가 있습니다. सबसे पहले आप क्या करें आप रूल को 10 की ताबेदारी करें. हालेलुया. 할렐루야. 그렇다면 어떻게 그 문제들을 처리하고 이길 수가 있겠습니까? 하루 거의 지나면은 부자비지가 나간다는 부자비들한테 인터넷에서 그런다는 말이 아니다. 람스는 보르노요. 하루 거의 그 견데나 로운다이 배 아픈 문제야. 내 메라 다파이 सब तो अनुगी पता है. 헤다 बड़ा मसला. 그 비비다 मसला 부디 담 करदियो पादरीओ. 나 यार ते इनु की पादरी पता होवे तेरी बुड्ढी होवे तो पता चले. 나고 플루스다 발아데 나라. 플루스디 शादी होई हुंदिया. मेनू करके मानदा नहीं खिदमत. तो आगे से पीढ़ी क्या देने वाले. तो ये मसले देखें आप के एक दूसरे से कहना ना भैन ओ तेरा तो कोई मसला ही है नहीं मेरे तो प्रॉब्लम तेरे तो बढ़िया है तो यही हम एक दूसरे साथ कह रहे हैं. 첫째, 오직 성령으로 이길 수 있습니다. हम क्या कर सकते हैं हम इन मसलों को रुख दस की रहनुमाई से हम निपट सकते हैं हल कर सकते हैं. 모든 사람들이 이 큰 사과 같은 문제를 만나서 한탄하고 있었습니다. 오르스크리아는 कहा ना जोर से ना ताकत से मेरी रूह से खुदा कहता है ये बात मैदान क्या हो जाएगा मैदान हो जाएगा. 그러나 낙심하지 않고 스그라노니 힘차게 외쳤습니다. 우리 함께 क्या करना है ये जो हमारे पास जो मसائل है ये कानूनी मसائل हो सकते हैं ये हमारे फाइनेंशियली मसائل हो सकते हैं जो भी मसला है हमने इनको नहायत अकलमंदी के साथ हल करना है. इन्होंने हिमरो देजे आन्यागो नुमरो देजे आन्यागो ओजे नाये सिनरो तेनोनिराने. जो तो मसला होंगे ना और लोकानो उनका वकील कानूनी मसला आवे और वकील को भाज देना क्या करते हैं वकील ने बाबा देने वकील साहब मेरा केस लड़ो वकील साहब मेरा मसला हल करो. अमेन अमेन. यरोबन सारा ओलम फब्तोगी मुदेर बनाना क्योनोसारे चलाओगीता. अब देखें अगर हम खुदा देखे बहुत सारे ऐसे ऐसे मसाइल हैं जो इंसान को ताकत ताकतवर बना देते हैं और तो कुछ ऐसे मसाइल होते हैं जो इंसान को बहुत ज्यादा कमजोर बना देते हैं. मसला कितना भी बड़ा क्यों ना हो आप इसे हल कर सकते हैं. 그러나 변호사와 의사 힘으로 대처하던 문제가 얼마든지 있다는 거예요. 오늘 지크리아 비스바리에 말했다. 지크리아 हार नहीं मानता बल्कि वो मजबूत होता है और वो कहता है कि हल कर सकते हैं इस मसले को. 사람 힘으로 나 능력으로 대처하는 문제들이 얼마든지 있다는 거예요. 뭐 सारे मसाइल ऐसे हैं जो इंसान को अपनी ताकत से अपनी काबिलियत से अपनी सलाहियत से हल करने पड़ते हैं. 사람은 두려워해 해결되지 못할 것이 너무나 많이 있습니다. 뭐 सारी ऐसी चीजें हैं जिसे इंसान वो सारे ऐसे मसले ऐसी चीजें हैं जिसे इंसान अपने हाथों से अपनी काबिलियत से हल नहीं कर सकता. 그리고 사람들은 그런 문제를 만나면 자유에 주저앉고 맙니다. 자, 뭐 हल नहीं कर पाता तो वो रोता है वो चिल्लाता है वो थक जाता है वो हार मान लेता है. बाद वक्त मेनू भी एक बार वो है ना कि मैं फाइनेंशियली ओदे में से त्याग हूं मेरे फाइनेंशियली कि अक्सर फोनर्स आते हैं चले जाते हैं सारा सिस्टम ही थोड़ा जा होता है तो अभी भी उन्होंने कोई हो सकते हो भाई साहब भी कोई सिस्टम नहीं भाई साहब के घर रह रहे हैं वो इनका खर्चा उठ रहा है बाकी खर्चे से ना छोड़ देना. कहने का मतलब ये है बात बगाने टिकट देके बंदा बनाने आ ये जरूरी नहीं है कि फंड मिल जाए इंसान को. फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होती हैं और जब मैं कमजोर पड़ने लगता हूं ना जब कमजोर पड़ता हूं तो फिर मैं कहता हूं यार कि फिर मैं फोन आ याद आती है कमजोरी की हालत में खुदा की कुदरत काम करती है. हालेलुया. जब आप कमजोर हो जाते हैं थक जाते हैं तो आपको हार करने लग जाती है कि ये मसला मैं हल नहीं कर सकता लेकिन आपकी कमजोरी की हालत में खुदा की कुदरत काम करती है. हालेलुया. भक्त वाला मोह भक्तों का क्रिंशिंग हो रहा है. कहना मैं तो बड़ा परेशान हूं मेरे को पैसे नहीं है मैं तो रोटी दिखानी है मकसद कहते हैं मेरे घर बच्चे भूखे ने मैं खान को घर कुछ नहीं है
बहुत परेशान हम ऐसे सोच रखते हैं 아이고, 그러면 우리 안에서 말씀하시고 그 말씀을 성취하시는 예수님은 말하고 있습니다. 우리 예수 알마시 हमारे अंदर अपने कलाम को पूरा करता है. जब हम कमजोर होते हैं तो खुदावन यीशु का कलाम हमें ताकत देता है, जोर देता है. 마태복음 6장 27절 말씀입니다. 마태기 아집 제바브스키 스타이사이 바이시마스 감사합니다. तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? आमीन. आमीन. 저와 여러분이 예수님을 믿기만 하면 믿음대로 해주시겠다고 하시는 것입니다. ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो फिक्र करके अपनी उम्र बढ़ाए या अपनी उम्र घटा सके. कोई भी नहीं. कहने का मतलब है भाई तो ले आ, सोच सोच के तो ले आ अपने भाई. कोई ऐसा शख्स नहीं है जो सोच सोच के अपनी उम्र बढ़ा दे या घटा दे. ये सिर्फ फिक्र ही है, कोई नहीं कर सकता. खुदा उनके हाथ में सब कुछ. हमें जिंदा खुदा के सामने आना है और ईमान रखना है. हमें यीशु के सामने आना है, ईमान रखना है, क्योंकि वही जिंदगी का खुदा है. ये नहीं कहना कि मैं ये नहीं कर सकता, ये कहना है कि खुदा में मैं ये कर सकता हूँ. और खुदा से कहे मेरी मदद कर, ऐ आसमानी बाप मेरी मदद कर. तेरे कलाम में लिखा है कि तेरी तमाम फिक्रें जो है यीशु ने ले ली है. आप खुदा और यीशु से, खुदा बाप से मदद मांगे. आप अपने मसलों के बारे में सोचें, लेकिन आप दुआ करें, कहे खुदा ये मेरा मसला है, मेरा फ्लैश में मसला है, इसको हल कर. बच्चों की फीस देनी है, इसको हल कर. ऐ खुदा देख मेरा ये भी मसला है, इसको तू हल कर. जो आप नहीं कर सकते वो खुदा पर छोड़ कर दुआ करें. आपने क्या करना है? आपने अपने इंसान के बारे में सोचना है और चिल्लाना है, जोर जोर से चिल्लाना है. चिल्ला कर कहना खुदा उन मेरी दुआ सुन. क्योंकि जरा चिल्लाते ना कहता चिल्ला गला फाड़ त्रेक ना कर. हालेलुया. चिल्ला को जो हाजरा सी ना, हाजरा उसे चिल्लाई ये रोन दी तो फरिश्ता आया, उन्हें कहा बेटी क्या हुआ? हाजरा उन्हें कट दिता गया खुदा की मर्जी तो. अब्राहम ने कटिया सारा की मर्जी तो, खुदा की मर्जी तो. खुदा ने कहा जिस बुढ़ी कहती मर दें, तेरी बुढ़ी हो तो लौंडी तो कर दिता. उत्थे हाजरा की खातर उत्थे फरिश्ता आया है जेड़ा जमसम है ना, यह उतो का सारा वाक्य है. सारा देख ले कैसा वाक्य हुआ, सिर्फ उसके चिल्लाने से. शिवचराएसो फिरो नारे गुवनाशिन यीशुनिमल पराबोसुक्षो. यीशु को पुकारे, यीशु को पुकारे, यीशु से कहे यीशु तूने सलीब पर अपना खून बहा कर क्या किया है, मेरे मसाइल को हल कर दिया है. हालेलुया. कर्मन छंती मामरल जीवसिन हनानिमन संयोगरो मेरे आने चलाओसिन. और खुदा बाप जिसने आसमान और जमीन को तखलीक किया है वो रूह कुदस के जरिया से आपकी मदद के लिए आ जाता है, क्योंकि रूह कुदस हमारा दूसरा मददगार है. हमारा ईमान है कि खुदा पाक रूह हमारी मदद करता है और मुश्किल में क्या करता है, हमें तवानाई और ताकत बख्शता है. जिक्रिया कहता है जो मैं नहीं कर सकता वो मेरा खुदा कर सकता है. कहता है जीबार तू सामने से हट जा, तू क्या चीज है? कहता है रूह कुदस की ताकत से, रूह कुदस की मदद से, ऐ बाहर ऐसी बाहर तू क्या चीज है? तू कुछ भी नहीं है. ये देखो हुक्म जो है ना वो अख्तियार वालों की तरफ से दिए जाते हैं, और यीशु ने कहा है आई गिव यू माई अथॉरिटी, मैं अपना अख्तियार तुम्हें ये देता हूँ, क्योंकि आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मेरे पास है. तो यीशु ने अपना अख्तियार आसमान जमीन का सब दिता है, तो तुम अख्तियार के नाल अपने मसाइल कह सकते हो. है मसलिया यीशु अपने बंदे ने कह देना मसलिया तो बड़ा बड़ा, अपने बुढ़ी ने कह देने मैनू कोई मसला नहीं, मैं ढेर तो मसला है. ऐन कह देना कि तू दूर हो गया, उन्होंने कहते यीशु के नाल दूर नो मसलियां नु कहना अपनी बेहम नु इना नु पहले तनु क्लियर किया है आपस में नहीं करना. यस. लुहा को 1:12 मालूम है.
योहन्ना के जी उसका पहला बाप और उसकी बारहवीं आयत कहने पड़े। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया दूसरी बोतल उसने उन्हें खुदा के प्रजंत बनने का हक बख्शा, इन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। आमीन। यीशु मिन्न उरिये हानिमे चनोदेनो कोनसेरो दुशासनीदा। जो यीशु अल मसीह पर ईमान रखते हैं खुदा बाप ने उन्हें अपने फर्जंद होने का हक बख्शा है। बादशाहों का बादशाह खुदावंदों का खुदा जो है यीशु अल मसीह है और उसी के जरिए से मैं आपको बख्शा गया है। मेरा ईमान है, आपका भी ईमान है कि जो अख्तियार है, जो अथॉरिटी है यीशु अल मसीह ने अपने ईमान रखने वालों को दी है और वो आप हैं, खुदा के फर्जंद हैं, बेटियां और बेटे हैं और खुदा ने आपको अख्तियार दिया कि आप अख्तियार के साथ कह सके हाँ यीशु के नाम से चलते हैं। हालेलुया। पाकिस्तान फौजारे नाराय से जुन फौजारे कोनसेरो योगो बोयुसेयो योगो फेसबुक बोयुसेयो हानु गोसियो। हम पाकिस्तान के लिए शुक्रगुजार हैं कि ये पाकिस्तान क्या करता है, हमारे चर्चेस को सिक्योरिटी देता है, आपको तोहफा देता है। ये आपको इनको जो फंडिंग आती है ना, बाहर से फंडिंग आती है हमारे मुल्क को, आपको तोहफा देने की फंडिंग आती है पाकिस्तान। हम इनके लिए भी शुक्र करते हैं कि हम यहाँ पर हर जगह मीटिंग कर सकते हैं। इराक के अंदर मिशनरी मारे गए हैं, अफगानिस्तान में 19 मिशनरी पकड़े गए हैं, कश्मीर के अंदर 21 मिशनरी मारे गए हैं, लेकिन खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारा ट्राइब एरिया नहीं है। हम पंजाब में, सिंध में, हम इजीली खुदावन के फजल से, मैं पेशावर में जाता हूँ, प्रॉब्लम नहीं होती। हम अपनी हुकूमत के लिए, पाकिस्तान के लिए भी शुक्रगुजार हैं। अच्छा, कहने मैं पाकिस्तान ने साड़ी जी गवर्नमेंट है ये साढ़े मुल्क ने सू वीजा नहीं दी अभी असं आप नहीं लगनी परेशान नहीं होना, आप नहीं परेशान नहीं होना, पैसे लग लगे लगे होना फिर परेशान नहीं होना। मैं अपने आप को कहना पैसा तो भी लग तुम तो अप्लाई किया है सारे पास भी देखो भजन जे तो पैसे देखे परेशान नहीं होना, आपके पास अमेरिका का वीजा नहीं है परेशान नहीं होना, कोरिया का वीजा नहीं है परेशान नहीं होना। खुदा की बंदी कहती है आपके पास खुदा के फरदौस का वीजा है, आसमान की बारिश है। आमीन। हम क्या करते हैं खुदावंद के जो बेटियां और बेटे हैं इनके सामने आने वाले तमाम मसाइल को उनको हम आज अलानिया तौर पर हम खुदावंद यीशु के प्यार के साथ दूर करते हैं। मुझे ये संतरा ये फेमरा संपानी लोगों ने तोड़ा खराब सिबत के पहाड़ मैं यीशु के नाम से हुक्म देती हूँ, यीशु के नाम से हट जा, रिमूव हो जा, ये फेमरा सीमियों के खंसरा तोड़ा खराब यीशु मसीह के नाम से बीमारियों के पहाड़ चल जाए, गुर्बत के बाहर चले जाएं, यीशु मसीह के नाम से बड़ी बड़ी मुसीबतों के बाहर हट जाएं, उन्हें खाली बसों में यीशु के खाली बसों हर बसनीदा। हम ये नहीं कर सकते लेकिन हम यीशु के दिए इख्तियार से ही सब कुछ करते हैं। हालेलुया। उन्हें कि यीशु में खुद से बदले होने को चलते बसों की को सब पान बसनीदा। हम यीशु के दिए इख्तियार पर ईमान रखते हैं। देखिए ऐसा ईमान नहीं जो परेशानी आती है ते परेशान जब तू होवेगा तो यीशु नाल होवेगा है तो देखिए जब भी परेशानी आती है मुसीबत आती है हमारा ईमान कमजोर हो जाता है, परेशान नहीं होना। हाँ अपने क्या करना है वो यही कह रही है हम यीशु के दिए इख्तियार पर ईमान रखते हैं कि हम दिए इख्तियार से बड़े बड़े पहाड़ों को हम हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। बड़े बड़े मसाइल को हल करने के लिए हम पर खुदावन खुदा का फजल होना बहुत जरूरी है और दाऊद कहता है और पलूस भी कहता है तेरा फजल मेरे लिए काफी है। हालेलुया। उसका फजल जब आपके साथ होगा तो आप मसाइल को हल कर सकेंगे। और जिक्रिया ने भी क्या किया, जिक्रिया ने सवाल किया पहाड़ों से मसाइल से क्या पहाड़ ऐसी पहाड़ लोग कहते थे बड़े 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 पहाड़ ने जनरल कहते ने केटू केटू की पहाड़ी माउंट एवरेस्ट असीम पहाड़ ने वहां पर भी असीम पहाड़ थे और वो उनको सवाल करके कहता है
कि तुम हो के आ रुक दस के आ गए, तुम चीज क्या हो? हालेलुया, सवाल करके उनको हटाता है। हम सब लोग खुदा पर ईमान रखते हैं और खुदा के फजल के साथ इन पहाड़ों को हटा देते हैं। और इसराइल जो है उन्होंने हैकल को दोबारा तमीर करना था। इस्राएल 백성들은 성을 다시 쌓았습니다. 우리 기야 하나님의 은혜로 헤클을 또 다시 쌓았습니다. 교회를 재건축하였습니다. 그리고 교회도 다시 쌓아집니다. 할렐루야. 아멘. 나중에 알고 보니 모두가 하나님의 은혜였습니다. 그리고 나는 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 알고 보니 모두가 하나님의 은혜였습니다. 오직 성령으로 행했습니다. 바이블에 지크리아서 이 삽구츠,조해, 루크도스케타해, 지크리아해, 간단히, 아니 보일라 배한데, 뭐대 보일래 배네 비치. 아니 간단히, 아 브라라 반데리 바래 세르테 보일라 배. 지크리아, 아니니 부자로바르, 그 해기 지이데, 루크도스 비치에타, 루크도스 기타케세 보스코 플라카르타해. 할렐루야. 오직 예수님 주신 권세로 행했습니다. 나비. 예수 께 디어 이ختیار سے آپ کے مسائل کو دور کرتی ہوں۔ 사랑하는 여러분, 하나님의 은총을 받으시길 축복합니다. 아, 하나님의 딸이요, 우리 딸도 제가 믿음이 کہ آپ پر آج خدا کا فضل ہوگا۔ 파키스탄 하나님의 은총이 있는 나라입니다. 파키스탄은 ایسا ملک ہے جسے خدا نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ 이 교회의 목사님, 하나님의 은총이 있는 목사님이십니다. 이 church 조 खुदा का फजल यहां पर है और यहां पर खुदा का जो खादम है उसके साथ खुदा का फजल है। हालेलुया। देखिए मेरा ईमान है कि खुदा के खादम पर खुदा का फजल है तो कलीसिया पर फजल बकसरत होगा। हालेलुया। अगर कोई आज यहां पर देखे केरा चर्च के बीच ਦੇਰੋ ਬਟ ਬਸ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਇਸਤਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਆਇਆ ਓਕੇ ਉਹਨੇ ਚਾਹ ਕੇ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਸਮੇ ਸੋਨਰ ਆਉਂਗੇਸਨੀਦਾ ਕਸਮੇ ਸੋਨਰ ਆਉਂਗੇਸਨੀਦਾ ਦੇਖੇ ਮੇਰਾ ਇਮਾਨ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਕੀ ਜੋ ਆਪ ਯਹਾਂ ਪਰ ਚਰਚ ਮੇ ਆ ਕੇ ਦੁਆਏ ਕਰਤੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਕੀ ਦੁਆਏ ਜੋ ਸਨੈਰੀ ਗੇਟ ਤੱਕ ਸਨੈਰੀ ਕੁਰਬਾਨ ਗਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ ਯਿਸੂਨੇ ਮਿੱਤਰੋ ਮਾਮ ਨੋਕੋ ਯੰਗਕ ਕਿਦੋਮਲ ਤਾਰਾਗੇਸਨੀਦਾ ਖੁਦਾਵੰਨ ਯਿਸੂ ਸੇ ਕਹੇ खुदावन यीशु मैं गुनाहगार हूँ वैसे कह रहा हूँ मैं गुनाहगार हूँ मैं तुझ पर ईमान लाता हूँ तुझ पर ईमान लाती हूँ सरावन यीशु नमन यीशु मैं दीची आरासनीला मैं खुदावन यीशु मैं तुझ पर ईमान रखता हूँ मेरी जिंदगी को बदल जिंदगी आप कहाँ थे इससे पहले आप देखे जरा ध्यान सुनिए इस बात को ਮਜ਼ਮੂਨ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਰਾ ਸਮਝੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੋ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਿੱਤਾਗਾ ਇਸੋ ਫਿਰਲੀਸ਼ਿੰਗ ਫਿਰੋ ਇੱਕ ਟੈਕਟਾ ਦੇਸ਼ਿਸੋ ਚੁਸ਼ਿਗਰੋ ਇਵਾਨਾਮੀਦਾ ਦੇਖੇ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਆਪ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਆਪਦਾ ਧਿਆਨ ਸੇ ਤਵੱਜਾ ਸੇ ਦੇਖੇ ਜਬ ਆਪ ਧਿਆਨ ਦੂਤ ਕਰਤੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਰਜਮੇ ਸੇ ਫਿਰ ਉਹ ਧਿਆਨ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੋ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ तो मुझे भी मसला होगा तर्जमा करने में काइंडली आप ध्यान दर करें आपके लिए बहुत ब्लेसफुली मैसेज है ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर मैसेज देख रहे हैं वैसे ये वाला ये पहले तो मैसेज जब किया या नहीं दिया लेकिन ये ब्लेसफुल मैसेज है मुझे बताइए हालेलुया देखिए हम यीशु अल मसीह पर ईमान रखते हैं जो हमारे लिए मर गया था और जिंदा हुआ है और यीशु मसीह जो है वो उसने मुझे मोल ले लिया है मेरा खुदा बन गया मेरा आका बन गया और देखिए यीशु मसीह को अपना खुदावंद और मालिक और मसीह कबूल कीजिए देखिए यीशु मसीह में आपने जितने भी गुनाह किए हैं बदिया किए हैं आप यीशु मसीह में आपकी माफी हो चुकी है क्योंकि यीशु ने आपके खातिर खून बहाया है हालेलुया बोलो बोलो यीशु मसीह की हालेलुया